क्या आपको पता है नवरात्रि के 9वें दिन की पूजा किस प्रकार करते हैं और इससे जुड़ी कथा क्या है? आज हम बात करेंगे नवरात्रि सीरीज के 9वें दिन की कथा के बारे में और इससे जुड़ी पूजा विधि के बारे में। नवरात्रि का 9वां दिन समर्पित है माँ दुर्गा के 9वें स्वरूप माँ सिद्धिदात्री को। माँ सिद्धिदात्री की कथा कुछ इस प्रकार है। नवरात्रि के 9वें दिन को हम महानवमी के नाम से भी जानते हैं। नवरात्रि का अंतिम दिन यानी नवमी, जो कि माँ सिद्धिदात्री को समर्पित है। देवी का यह रूप भक्तों को सभी प्रकार की सिद्धियां प्रदान करने वाला है। मार्कंडेय पुराण में 8 सिद्धियों का उल्लेख किया गया है, जिनके नाम क्रमशः अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व है। माँ सिद्धिदात्री इन सभी सिद्धियों की स्वामिनी है और सभी सिद्धियाँ अपने भक्तों को प्रदान करती हैं। देवी पुराण के अनुसार सिद्धिदात्री माँ की कृपा से ही महादेव शिव को सभी सिद्धियों की प्राप्ति हुई थी और इनकी कृपा से ही महादेव शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था, जिसके कारण भगवान शिव को अर्धनारेश्वर नाम से जाना गया। कहा जाता है धरती पर दैत्यों के अत्याचारों से मानव की रक्षा करने एवं लोक कल्याण हेतु माँ सिद्धिदात्री रूप में प्रकट हुई थी। एक पौराणिक कथा के अनुसार देवी ने स्वयं ही कहा है, मेरे अतिरिक्त कोई भी दूसरी नहीं है, ये सभी मेरी विभूतियाँ हैं। इसके पश्चात सभी देवियाँ देवी सिद्धिदात्री के शरीर में प्रविष्ट हो गईं। तभी सभी देवताओं व दानवों के मध्य युद्ध छिड़ गया। इसी के चलते देवी व शुंभ राक्षस में भयंकर युद्ध छिड़ गया। शुंभ को अपनी ओर आते देख देवी ने त्रिशूल से उसकी छाती पर वार कर दिया, जिससे वही शुंभ राक्षस का विनाश हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप संपूर्ण संसार प्रसन्न हो उठा और नदियां अपने मार्ग पर बहने लगी। सभी कार्य शांत मुद्रा से होने लगे। भक्तों को माँ सिद्धिदात्री की पूजा पूरे विधि विधान से अपने परिवार के कल्याण हेतु करनी चाहिए। माँ के वरदान से बुद्धि, सिद्धि, बल और सुख की प्राप्ति होती है। कहा जाता है माँ अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूरा करती है। इसके साथ ही माँ उन्हें यश, बल और धन प्रदान भी करती हैं। माँ सिद्धिदात्री के रूप का वर्णन शास्त्रों में कुछ इस प्रकार किया गया है। माँ सिद्धिदात्री का वर्ण गौर है। माँ का रूप अत्यंत शांत, सौम्य और आकर्षक है। माँ की 4 भुजाएं हैं। दाहिनी और ऊपर की भुजा में चक्र व नीचे की भुजा में गदा है। बाईं और ऊपर की भुजा में शंख और नीचे की भुजा में कमल पुष्प लिए हैं। माँ के गले में दिव्य माला सुशोभित है। माँ का यह रूप कमल पे विराजित है और माँ की सवारी सिंह यानी शेर है। अब हम बात करेंगे माँ सिद्धिदात्री की पूजा विधि की। प्रातःकाल उठकर स्नान आदि के पश्चात सबसे पहले माँ सिद्धिदात्री का ध्यान करें। माँ सिद्धिदात्री को लाल और बैंगनी रंग अति प्रिय है, तो आप इन्हीं रंग के वस्त्र धारण कर सकते हैं। माँ को चंपा के फूल, जो कि सफेद और पीले रंग के होते हैं, अर्पित करें। अगर संभव हो तो माँ को सफेद रंग के वस्त्र अर्पित करें। माँ सिद्धिदात्री को भोग में मौसमी फल, पूड़ी, खीर, चना, नारियल, हलवा चढ़ाएं और दिनों की भांति पवित्रता, शुद्धता और स्वच्छता का ध्यान रखें। देवी व कलश की पूजा अवश्य करें। माँ को सिंदूर, अक्षत, रोली बड़े ही प्रेम भाव से अर्पित करें। जिस प्रकार आप प्रतिदिन कलश पूजन, लौंग कपूर से आरती व धूप बाती करते हैं, यह विधि भी पूर्ण करें। जैसा कि यह नवरात्रों का अंतिम दिन है, तो अंतिम दिन में देवी का हवन करें। हवन के लिए आम की लकड़ियां, हवन सामग्री, कपूर और घी का प्रयोग करें। अग्नि प्रज्वलित करने के बाद 108 बार इस मंत्र का जप करें, जो कि है, या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। माँ की आरती करने के पश्चात दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य करें। माँ के लिए बनाए गए भोग अर्पित करने के पश्चात सर्वप्रथम 9 कन्याओं एवं 1 बालक को भोजन कराएं, उनका तिलक करें एवं उन्हें दक्षिणा दें। दक्षिणा देने के बाद उन्हें विदा करें। अब माँ का स्मरण कर माँ का प्रसाद स्वयं भी ग्रहण करें और इस प्रकार आपका नवरात्रि उपवास एवं नवरात्रि पूजा संपन्न होती है। नवरात्रि का अंतिम दिन होने के कारण माँ का भजन कीर्तन संभव हो तो अवश्य करें। इसी प्रकार नवरात्रि के आखिरी दिन की पूजा संपन्न होती है। आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी प्रकार हमारी नवरात्रि स्पेशल सीरीज खत्म होती है।
और हम आने वाले पर्वों से जुड़ी जानकारियों के विषय में भी वीडियोस लाते रहेंगे। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, जिसमें कि हमने नवरात्रि के आखिरी दिन यानी माँ सिद्धिदात्री की कथा व पूजा विधि के बारे में जाना। आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।